हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज हम बनाएंगे आलू की स्वादिष्ट कचौड़ी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और आलू की स्वादिष्ट सब्जी के साथ में। चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। सबसे पहले हम इसके लिए एक डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप आटा ले रखा है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सिंपल एक हमें डो तैयार करना है। इस डो को हमें अच्छे से तैयार करना है, सॉफ्ट डो बनाना है। इसको हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इतने हम अपनी स्टफिंग और सब्जी भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इसको बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है हमें, जिससे कि हमारी जो है बिल्कुल भी कचौड़ियाँ फटेंगी नहीं और अच्छे से मलना है। जितना अच्छा मलेंगे उतना अच्छा हमारा डो तैयार होगा। देखिए, अच्छे सेट करके इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा लेते हैं। करीब 2-3 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको ऑयल लगा के हम सेट होने के लिए रख देंगे अच्छे से मलते हुए। क्योंकि हमारा आटा अगर अच्छा है, सॉफ्ट है, तो हमारी बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, एक भी कचौड़ी नहीं फटेंगे, सब फूली फूली बढ़िया बन के तैयार आएंगी। ये तो तैयार हो चुका। अब इधर 2 आलू मैंने ग्रेट कर रखे, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी खटाई ली है और थोड़ा सा नमक। अब जो है हमारी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके हमारी स्टफिंग तैयार हो जाती है, ये देखिए। अब इधर सब्जी भी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है पैन में, थोड़ा सा डाला जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी। इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करते ही साथ में डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी खटाई ले ली है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले को। साथ ही मैंने टमाटर जो हैं 2 बना रख रखे हैं पीस के, इनको डाल देते हैं टमाटर प्यूरी को। इसको भी अच्छे से मिक्स करके मसाला अच्छे से भून लेते हैं। देखिए, साथ में नमक भी डाल देते हैं। मेरा मसाला अच्छे से भून के तैयार हो रहा है, ऑयल छोड़ने लगा है। अब यहाँ पे मैं इस स्टेज पे मैंने आलू जो हैं 4 अपना बॉईल करके रख रखे हैं फोड़ के, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से मैश कर के रखिएगा, क्योंकि जितने मैश करे हुए होते हैं उतनी अच्छी हमारी गाढ़ी ग्रेवी तैयार होती है। साथ में पानी डाल के अब बस हमारी सब्जी बन जाएगी जल्दी से। इसको उबलने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारा जो है ये बिल्कुल भी पानी जो है गाढ़ा ना हो जाए इसका। तो थोड़ा सा खदकाएंगे, करीब 8-10 मिनट तक हमें अच्छे से खदकाना है इसको। हमारी ग्रेवी एकदम गाढ़ी तैयार होनी चाहिए इसकी, आलू की। देखिए, अच्छे से खदकने लगे। अगर आपके आलू थोड़े से मोटे हैं, अच्छे से नहीं मैश हुए हैं, तो आप चाहें तो मैशर से भी थोड़ा सा मैश कर सकते हैं, मगर मेरे ऐसे ही तैयार हैं। और देखिए, काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है मेरी। अब मैं इसको बंद करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी तो और थोड़ा सा गाढ़ी भी हो जाएगी। इतने देख लेते हैं, हमारा वहाँ आटा भी सेट हो चुका होगा। ये देखिए, ये मेरा आटा यहाँ तैयार है। इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। सारी मैंने बॉल्स बना ली हैं इक्वल। अब इनमें जो है स्टफिंग भरेंगे हम। अब हम स्टफिंग 2 तरीके से बताएंगे। ऐसे हाथ में भी आप लेके ऐसे भर सकते हैं, ऐसे छोटी सी बॉल बनाइए, चाहे आप स्टफिंग कितनी भी लीजिए। बस आप ध्यान रखिएगा, बाहर बिल्कुल फटना नहीं चाहिए आपका, बिल्कुल क्रैक नहीं आने चाहिए, तो आपकी लोई बढ़िया है। दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, बेल के भी आप बना सकते हो। हल्का सा बेला, उसके अंदर रख दी और ऐसे उठा के इस तरीके से आप बंद कर लीजिए। बस हमें बंद अच्छे से करना है तो हमारी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। इसको आप बेल सकते हैं, ध्यान देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों तरफ से बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और जब फटेगी नहीं तो अच्छी फूली फूली बनेगी स्टफिंग। ये देखिए, अंदर जो है इसको डाल देते हैं। हमारा जो ऑयल है हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, तेज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें अपनी डाल देते हैं, सेकते हैं, देखिए कैसी बढ़िया एकदम फूली फूली बनेंगी हमारी सारी, और बिल्कुल भी नहीं फट कर आएंगी और एकदम करारी बनेंगी। हमेशा कचौड़ियाँ जो हैं थोड़ा मंदी आँच पर ही सेकेगा, तेज़ आंच पर कभी नहीं बनानी चाहिए। उससे जो है थोड़ी सॉफ्ट सी भी बन जाती हैं और वो जली जली सी भी हो जाती हैं, तो इसलिए मंदी आंच पर जितनी बनाएंगे उतनी करारी और उतनी बढ़िया बनती है। देखिए कितनी बढ़िया बनकर आई है हमारी। इस तरीके से अपनी सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत आसान होता है कचौड़ियाँ बनाना। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी सारी कचौड़ियाँ बना ली हैं और आलू की सब्जी भी हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, बहुत ही आसान सी रेसिपी आलू की स्वादिष्ट कचौड़ी बनाने की और सब्जी बनाने की। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ आप भी इस तरीके से एक बार बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।